बहुत समय पहले की बात है, मुंबई शहर में राजेश एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी किया करता था। राजेश के बीवी बच्चे गांव में रहा करते थे। राजेश कभी कभार ही अपने गांव घूमने जाया करता था। गांव में राजेश की पत्नी कमला और एक फूल सी बेटी राखी रहती थी। राजेश अपनी बीवी बच्चों को बहुत प्यार करता था और अक्सर राखी के लिए गिफ्ट लेकर जाया करता था। राखी भी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। परंतु एक दिन जब राजेश शहर वापस आ रहा होता है, तभी अचानक से कमला की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। राजेश कमला को अस्पताल में भर्ती करवाता है। तभी राजेश को पता चलता है कि कमला को तो दिल का दौरा आया है। डॉक्टर राजेश को सलाह देते हैं कि अभी वह शहर न जाए और अपनी बीवी की देखभाल करे। इस तरह कुछ दिन अस्पताल में निकल जाते हैं। अंत में अस्पताल वाले कमला को कुछ दवाइयाँ और छुट्टी दे देते हैं। राजेश घर पर भी अपनी पत्नी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता और उसे समय समय पर दवाइयाँ खिलाया करता था। राखी जो अभी स्कूल जाया करती थी, वह भी कई दिनों से स्कूल की छुट्टी लेकर अपनी माँ की देखभाल में लगी हुई थी। सुनो राखी बेटा, अब तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। इतने दिनों से तुम अपनी माँ की देखभाल में लगी हुई हो, परंतु तुम्हारी पढ़ाई भी तो छूट रही है। तुम एक काम करो, तुम कल से स्कूल जाना शुरू कर दो। मैं घर पर रहकर तुम्हारी माँ की देखभाल कर लिया करूँगा। यह सुनकर राखी अपने पिताजी का कहना मान लेती है। अगली सुबह राखी तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। राखी पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार और समझदार लड़की थी। उसकी टीचर भी राखी की बहुत तारीफ किया करती थी। आज जब राखी स्कूल से घर लौटती है, तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ की तो मृत्यु हो गई है और अब वह कभी वापस लौट कर नहीं आएंगी। यह सुनकर राखी बहुत दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। इस तरह कुछ देर बाद राखी के पिता राजेश और राखी कमला का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब राखी की पढ़ाई और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी राजेश के कंधों पर आ गई थी। राजेश जैसे तैसे अपनी बेटी राखी का पेट पाल रहा था, परंतु फिर भी वह राखी को एक माँ की खुशियाँ नहीं दे पा रहा था, जिस कारण राखी बहुत उदास रहा करती थी। कमला की 13वीं पर कई रिश्तेदारों के समझाने पर राजेश दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह कुछ दिन बाद राजेश एक कल्याणी नाम की औरत से दूसरा विवाह कर लेता है। कल्याणी एक बहुत ही खड़ूस और निर्दयी औरत थी। कल्याणी की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम मीना था। शादी के बाद कल्याणी अपनी दोनों बेटी राखी और मीना को एक जैसा ही प्यार किया करती थी। यह देखकर राजेश बहुत खुश होता है कि उसे एक अच्छी पत्नी और राखी को एक अच्छी माँ मिल गई। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। सुनो कल्याणी, मुझे यहाँ गांव में बहुत दिन हो गए हैं। आज मेरे बॉस का फोन आया था। वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं शहर कब वापस जा रहा हूँ। मुझे लगता है अब यहाँ गांव में सब ठीक हो गया है। तुम राखी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही हो। अगर तुम कहो तो मैं शहर के लिए निकल जाता हूँ। हाँ क्यों नहीं राखी के पिताजी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं अपनी बेटी राखी को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी और उसका पूरा ख्याल रखूंगी। इस तरह कल्याणी राजेश से बहुत मीठी मीठी बातें करती है और अंत में राजेश शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह राजेश शहर के लिए निकल जाता है। माँ 7 बज गए हैं, जल्दी से मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार कर दो, मुझे स्कूल जाने में देरी हो रही है। क्या कहा तूने, स्कूल जाने के लिए तैयार कर दूँ? तेरे बाप की नौकर हूँ क्या जो हमेशा तेरी बात मानूँ? चुपचाप जाकर घर के काम कर, कोई जरूरत नहीं है स्कूल जाने की। ये क्या कह रही हैं आप माँ, मुझे घर के काम नहीं आते हैं। पिताजी ने मुझसे कहा था कि मैं रोज स्कूल जाऊं और अच्छे मार्क्स लाऊं, घर के काम आप कर लिया करना। मुझ पर हुक्म जताना चाहती है, रुक अभी तुझे बताती हूँ। इतना कहकर सौतेली माँ राखी के गाल पर एक जोरदार चाटा लगा देती है। राखी अपनी माँ का बदला हुआ व्यवहार देख कर सब समझ जाती है और चुपचाप अंदर चली जाती है। इस तरह उस दिन के बाद राखी घर के सभी काम करने लगती है। राखी की सौतेली माँ कल्याणी उसे पूरा दिन घर के काम करवाती और बदले में एक टाइम का ही खाना दिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ कल्याणी की सगी बेटी रोजाना स्कूल जाती और अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, दोस्तों के साथ खेलने जाती और पार्टियां करती। यह सब राखी से देखा नहीं जाता और वह अपना सर पकड़कर रोने लगती है। इसी तरह राखी को रोते रोते नींद आ जाती है। अगली सुबह राखी को उठने में जरा देर हो जाती है तो सौतेली माँ कमरे में आ जाती है। क्यों रे कलमुही, तुझे क्या रोज रोज उठाना आना पड़ेगा? अभी तक नाश्ता तैयार नहीं किया है तूने? जल्दी उठो, नाश्ता तैयार कर, मेरी बेटी को स्कूल जाने में देर हो रही है। और हाँ,
नाश्ता तैयार करने के बाद मेरे कमरे में आ जाना। जरा मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर मेरा पैर दबा देना। इसके बाद राखी अपनी सौतेली माँ के डर से जल्दी से उठ खड़ी होती है। राखी जल्दी जल्दी किचन में नाश्ता तैयार करती है। नाश्ता तैयार करने के बाद राखी अपनी सौतेली माँ के कमरे में जाती है। आ गई तू, जल्दी से मेरे पैर दबा दे, उसके बाद फिर घर की सफाई भी करनी है। इतना सुनकर राखी पैर दबाने लगती है। अरे ओ महारानी, जरा जोर से दबा, खाना तो चार आदमियों के घर का खा जाती है और हाथ में तेरे दम नहीं है। राखी चुपचाप अपनी माँ के पैर दबाने लगती है और किसी से कुछ नहीं कहती। इसके बाद राखी जल्दी जल्दी घर के सभी काम करने लगती है। घर की सारी सफाई खत्म होने के बाद राखी अपने कमरे में जोर से रोने लगती है। आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। माँ तो मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है माँ। पिताजी तो ज्यादातर काम के सिलसिले से बाहर रहते हैं, ऐसे में मैं उन्हें यह सब बताकर परेशान नहीं करना चाहती। इस तरह राखी अपनी माँ से शिकायतें कर रही होती है कि तभी पीछे से उसकी माँ कल्याणी सब सुन लेती है। इसके बाद कल्याणी मन ही मन सोचती है, इसकी जुबान बहुत चलने लगी है। आज ये मेरी शिकायत अपने पिताजी से करने की सोच रही है, कल अगर इसने मेरी सच में शिकायत कर दी तो मेरा क्या होगा? मुझे कुछ सोचना होगा। इतना सोचकर कल्याणी भी अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह कल्याणी बहुत गहरी सोच में होती है और उसके मन में खिचड़ी पक रही होती है। तभी कल्याणी को एक आइडिया आता है और वह राखी के पास जाती है। राखी मेरी प्यारी बेटी, मुझे तुमसे एक काम था। हाँ बोलिए माँ, मैं क्या कर सकती हूँ? बेटा मुझे शहर शॉपिंग के लिए जाना था, वहाँ से आते वक्त मुझे लेट हो जाएगा, क्या तू मेरे साथ शहर चलेगी? देख तेरे कपड़े भी पुराने हो गए हैं, मैं तुझे वहाँ नए कपड़े दिला दूंगी। अपनी माँ के मुँह से यह सब सुनकर राखी को विश्वास नहीं होता और वो तुरंत हाँ में सर हिला देती है। इस तरह थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी शॉपिंग के लिए शहर चले जाते हैं। शहर का रास्ता जंगल से होकर जाता था, इसलिए चलते चलते दोनों थक जाते हैं। मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम मेरे लिए पास की नदी से पानी ले आओगी? मुझे बहुत जोरों से प्यास लग रही है। हाँ माँ, आप यहीं बैठे, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद राखी पानी लेने नदी की तरफ चली जाती है। कल्याणी भी दबे पांव उसके पीछे पीछे जा रही होती है। राखी जैसे ही नदी में पानी भरने के लिए झुकती है, पीछे से कल्याणी उसे धक्का दे देती है। इस तरह देखते ही देखते राखी नदी में बह जाती है। उसे तैरना नहीं आता था, वह कल्याणी के सामने ही नदी में डूब जाती है। ये हुई ना बात, अब मेरे रास्ते का कांटा साफ हो चुका है, उसके पिताजी पूछेंगे तो कह दूंगी नदी में बहकर मर गई। इतना सोचकर कल्याणी घर वापस जाने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ नदी की जलपरी राखी की प्राण बचा लेती है और उसे सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लेती है। मेरी प्यारी बेटी, तुम यूँ नदी में कैसे डूब रही थी? तुम्हें पानी से बचकर रहना चाहिए। इसके बाद राखी जलपरी को सारी कहानी सुनाती है, जिसे सुनने के बाद जलपरी को बहुत दुख होता है। कितनी निर्दयी माँ है वो, धन दौलत की लालच में उसने तुम्हें नदी में धकेल दिया। परंतु तुम चिंता मत करो, तुम एक ईमानदार और नेक दिल लड़की हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। यह लो, यह जादुई चक्की तुम रख लो। यह चक्की तुम्हें कई सारी चीजें देगी, जिससे तुम अपना जीवन हंसी खुशी से बिता सकती हो। तुम यह चक्की लेकर दूसरे गांव चली जाओ और वहां से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। जलपरी के मुंह से यह सब सुनने के बाद राखी उनका धन्यवाद देती है और वह जादुई चक्की ले लेती है। राखी वह चक्की लेकर एक खाली स्थान पर पहुँच जाती है। हे जादुई चक्की, मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, कृपया मुझे एक घर दे दीजिए। राखी के ऐसा कहते ही जादुई चक्की उसे एक घर दे देती है। राखी का वो घर बहुत ही बड़ा और आलीशान था। राखी जल्दी से उस घर में चली जाती है। इस तरह उस दिन के बाद राखी उस जादुई चक्की से तरह तरह की चीजें मांगा करती। राखी जलपरी का धन्यवाद देने के लिए जादुई चक्की से कई सारी मेकअप किट मांगती है और गरीब व अनाथ लोगों में बांट देती है। इस तरह उस दिन के बाद राखी के जीवन में कोई कमी नहीं होती और वह खुशी से अपना आगे का जीवन बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हूँ आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।